हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पवन टेक न्यूज़। दोस्तों, आज आप जानेंगे आइटल A48 में आपकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसको किस तरीके से इनेबल कर सकते हैं, किस तरीके से आप इस फोन में गेम खेल के साथ साथ आपकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसको कर पाएंगे, वो जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपकी जो फ़ोन की स्क्रीन है उसको रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कोई गेम खेल रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग चाहते हैं, या फिर कोई आपकी कॉल फ्रेंड्स चल रही है, या फिर आपकी कोई कॉल चल रही है, या फिर आपकी वीडियो कॉल चल रही है उसको रिकॉर्ड करना है, तो आपको किस तरीके से करना होगा वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को कम्प्लीटली देखते रहिए, क्योंकि आप आज जानेंगे इस फोन में किस तरीके से आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है उसको यूज कर सकते हैं। सिंपली आपको कंट्रोल पैनल को ओपन करना है कुछ इस तरीके से, और जैसे आप इसको इस तरीके से इनेबल करेंगे तो आप देखेंगे आपको नीचे की तरफ देखने मिल जाता है एक पेन का आइकन, इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ आने के बाद आपको एप्लीकेशन है, मोर एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ से आने के बाद उनको ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप इस समय आपकी जो स्क्रीन जितने एप्लीकेशन हैं इनको इस तरीके से इनको ऐड कर लीजिए ऊपर की तरफ, और आपके जितने एप्लीकेशन होंगे ऊपर कंट्रोल पैनल में सारे ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको पहले इनको ऐड कर लेना है। देन यहाँ पर आपका स्क्रीन लॉन्ग स्क्रीन शॉट का भी ऑप्शन यहाँ पर ऐड हो गया है, और देन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन कैप्चर का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यही आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। यही इसी तरीके से आप इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि देख पा रहे हैं हमारी जो कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग वो स्टार्ट हो गई है कुछ इस तरीके से। अब हम अपनी जो कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग का मज़ा ले पा रहे हैं। अब हमारे जो कि हमें इस फोन में यूज़ कर रहे हैं ये सारा हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। तो इस तरीके से आप इस फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का मज़ा ले सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हमारा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।